हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड केदन। और आज मैं आपको कुछ 10 ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले गाइस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज द सिलेबस। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सिलेबस, लेकिन उन्हें सिलेबस ही नहीं पता गाइस। दे डोंट नो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। तो आप कितना भी कर लो, कहीं भी जा लो, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये पहली बात। सेकेंड थिंग इज़ स्टार्ट कब करें। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि आज अभी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है तो मैं कब करूँगा स्टार्ट, अच्छा अभी से पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊँगा, तो फिर मैं करूँगा 15 दिन बाद और फिर मैं 3-3 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है ना गाइस। इफ़ यू स्टार्ट टुडे, अगर आप रोज़ के 20 मिनट पढ़ रहे हो तो इट्स गुड फॉर यू ओनली। ये हो गई दूसरी बात। तो सबसे पहली बात थी कि सिलेबस पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात है कि यू शुड नो व्हेन टू स्टार्ट। और सबसे अच्छा समय कब होता है, जब आपका मन करे तभी स्टार्ट करने को चाहिए। अब मैं तीसरी चीज़ बताऊँ आपको, प्लान। गाइस, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी एक जगह पे जाना है, लेट आपको यहाँ से यहाँ जाना है ACP, अगर मैं प्लान बनाया है ऐसे जाने का और ऐसे जाने का, तो इस जगह पर कभी पहुँच नहीं पाओगे गाइस। दिस इज़ वेरी सिंपल सा रास्ता है, बट आपको प्लान नहीं आपके पास, कैसे करना है उसे। जैसे कहा जाता है ना, इफ़ यू प्लान टू फेल यू फेल टू प्लान, काफ़ी में सच है। ये 3 चीज़ें। द फोर्थ थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता है हम सब इतने बिजी हो गए, हमारे लाइफ है ना, एक्चुअली लाइफ के लिए हमें हमारे खुद के पास टाइम नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे। मैं एज ए स्टूडेंट कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट 6 घंटे निकालो गाइस। यू हैव 24 आवर्स में 6 घंटे निकालो, और 6 घंटे में भी आप कैसे कर सकते हो, 2-2 घंटे पढ़ सकते हो। इट्स लाइक टाइम मैनेजमेंट को आपने फिर से काट दिया, 2-2 घंटे के आपने 3 स्लॉट बना दिए, तो कैसे करना है गाइस। आप टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल फॉलो नहीं होते, आप सबको पता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्लान ऐसे मत बनाओ, मंथली प्लान मत बनाओ, एक वीकली प्लान बनाओ। सो लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग प्लान फॉर वीक, सो उसको भी आप 3-3 दिन में काटो। जो 3 दिन का प्लान बना उसको भी 1-1 दिन में काटो, जो दिन का प्लान बना है उसको 6 घंटे में काटो। क्योंकि आपका जो माइंड है ना गाइस, तो याद नहीं होता है आप बनाते वक्त, तो यू आर वेरी एक्साइटेड कि आई विल मेक द प्लान, सुबह 5 बजे उठूंगा मैं, अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन होता नहीं है ना गाइस। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन, वही जो मैंने बात कही, आपने अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, आपको करना है 5 बजे उठ के पढ़ोगे, ऐसा नहीं तो आपका अलार्म से पहले उठ जाना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि आप 5 बजे उठो फिर आपने अलार्म को बंद कर दिया और फिर आपने 5:30 बजे का अलार्म लगाया। मैं भी करता था ऐसे। सो बट नाउ इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको कुछ करना हो ना लाइफ में, अगर आप कुछ चाहते हो तो ज़िंदगी भी आपसे कुछ मांगती है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब 4-5 चीज़ें अगर रहोगे ना, तो राजा की तरह जियोगे। अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, लेकिन जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, उसके बाद ऐसे ऐसे है। अगर आपको राजा बनना है ज़िंदगी, अगर आपको राजा बनाएगी तो आपको कुछ तो ज़िंदगी को भी कुछ देना पड़ेगा ना गाइस। सो आप ज़िंदगी जो दे रहे हो तो वही कुछ आपका समय, कुछ फेलियर्स होते हैं गाइस ऑब्वियसली, बिना फेलियर्स के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो लाइफ से हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ से अपनी लाइफ को नहीं देना चाहते। सो इफ़ यू ट्राई टू गिव समथिंग यू विल गेट समथिंग। उसके बाद आता है गाइस नोट्स बनाना। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या पता है क्या, हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है गाइस, मैं भी रहा हूँ 2 कोचिंग में, तो अपन नोट्स लेते हैं उनसे, वी राइट सिलेबस बनाते हैं, नोट्स लेते हैं उनसे, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के नोट्स नहीं बनाते गाइस। जब अपना एग्ज़ाम आता है तब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, हम जो पन्ने पलटते हैं वो हमें टीचर ने बनाए हुए होते हैं, बट दैट इज़ ऑल स्टैंडर्ड गाइस। खुद के नोट्स होने चाहिए। नोट्स कैसे बनाना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैपिंग गाइस। क्योंकि थ्योरी मत बनाओ। देखो फॉर सिंपल सा अगर फिल्म की लैंग्वेज में समझाओ, तो हमें फिल्म कैसे पता चलती है गाइस। स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो कहानी याद नहीं होती ना, मूवी देखनी पड़ती है। जब आप मूवी देखते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि उसकी कहानी क्या है। तो सेम थिंग यहीं पे, अगर स्क्रिप्ट नहीं बनानी है आपको, हमें बनानी है पिक्चर, जिंदगी की पिक्चर बनानी है, लाइफ के नोट्स बनानी है आपको, तो माइंड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी गाइस। उसके बाद जो बात आती है ना, खुद की जो है, खुद की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। होता क्या है ना, हम जब पढ़ने लग जाते हैं तो होता है कि व्हेन वी आर स्टडिंग, हमें आदत लग जाती है पढ़ने की, हम खाना खाते हैं पढ़ते हैं,
फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, चाय पी लिया, फिर पढ़ लिया। तो ऐसे अगर पढ़ते पढ़ते आप जाओगे ना गाइस, तो प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ता था बिना मतलब का, पढ़ते जाता था, चाय पीता था, इस टू ड्रिंक टी लाइक हेल गाइस, सो मैं पूरा फेज और पिंपल से भर चुका था। सो दिस लाइक आई नेवर, क्या बोलते हो, आई नेवर टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। सो नेक्स्ट थिंग इज टेस्टिंग करना है आपको, टेस्ट देना है। लेट्स आपने वीकली प्लान बनाया ना, तो हर वीक में आपको एक बार टेस्ट देना बहुत जरूरी है। फिर गिविंग टेस्ट आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या आता है, मतलब सिंपल सी बात ना, कितने पानी में हो, कितना आता है आपको। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो ऐसे लगता है ना कि ये सब मुझे आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी बोलो चेंज इन एनर्जी। लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हो, रोटेशन के क्वेश्चन, सीएम के क्वेश्चन, उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकती है आपको, जो बड़ा प्रॉब्लम उसे छोटा कर सकते हो। लेकिन जब बात है ना कि उसे कैसे करते हो, तो आपको टेस्ट करना चाहिए। आप जो दिन में भी गाइस, जब आप पूरा दिन अगर पढ़ रहे हो गाइस, तो रात को जब आप सोओगे तो सोने से पहले आपको रिकॉल करना चाहिए। सो डेली टेस्टिंग इज आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, और 5-6 दिन बाद तो आपको टेस्ट देना ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे रटना नहीं है इसकी चीज़, इसको समझो। मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट हैं अभी, हम जैसे कॉलेज में, तो होता क्या है, कुछ चीज़ें हम उसी टाइम के लिए पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के बाद कुछ याद नहीं होता, तो रटना है गाइस। अगर किसी चीज़ को आप रट रहे हो ना, तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, जब एग्ज़ाम तक हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, आपको समझना ही पड़ेगा। मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, अभी मैं आपसे जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये रटा हुआ नहीं है। अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर रट के आता गाइस, तो क्या पता मैं 1 मिनट भी नहीं बोल पाता, 2 मिनट में। मुझे ये नहीं पता कि आगे जाके मैं क्या बोलूँगा, अभी क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैं एक समझ के बोल रहा हूँ एज अ इंटरेक्शन। और सबसे ज़रूरी बात लाइफ में है ना, राइट गाइडेंस गाइस। जैसे आप वही बात, जब आप ए से बी जा रहे हो गाइस, और आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, तो कोई लोग जो आपके लाइफ में आएंगे, वो आपको यहाँ ले जा रहे हो, आपको यहाँ ले जा रहे हो। आप अपने हिसाब से मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको जाना यहाँ था और आप जा रहे हो यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, व्हेन द गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। सो इसमें ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली 10 चीज़ें अगर मैं बताऊँ, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है सिलेबस, उसके बाद अपन करेंगे स्टार्टिंग कि कब स्टार्ट करना है, फिर आप बनाओगे प्लान बनाओगे गाइस, फिर टाइम मैनेजमेंट करोगे, उसके बाद आप नोट्स बनाना सीखोगे, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, उसके बाद आप सुबह उठने की तैयारी जो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही उठना चाहिए, रात में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छा माना जाता है सुबह उठोगे। सो दीज आर सम थिंग्स सो एवरी स्टूडेंट शुड डू। और अभी कोरोना की वजह से आपको बहुत सारा टाइम मिला है, यू आर वेरी लकी बैच गाइस, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको दो तीन महीने एक्स्ट्रा मिल गए। आपको जेई हो या नीट हो, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप इन सब 10 चीज़ों के बारे में अगर सोचोगे, इस 10 चीज़ के बारे में अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, सो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस एनी एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि यू हैव टू ओनली वरी अबाउट दिस एंट्रेंसेस, कि लाइफ में भी इफ़ यू आर डूइंग फॉलोइंग दिस थिंग्स, सब सक्सेसफुल बन सकते हो। यही बताना था, मैं ये बता रहा हूँ, बस मेरे को शेयर करना था, ऐसे बड़ा भाई मान लो, छोटा मान लो, कोई हो, बस मैं शेयर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे भी ये सारी चीज़ें अपनी टीचर से पता चली है, टीचरों ने बोला है, मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की है, जो मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया है। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू नो जस्ट वर्क अपॉन योर सेल्फ, एंड अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ से आप चाहते हो ना, लाइफ भी आपसे कुछ चाहती है गाइस। सो क्या चाहती है लाइफ आपके, वही मेहनत पसीना जो भी आप कहते हो, लाइफ ज़िंदगी आपसे चाहती है। अगर आपको राजा बन के ज़िंदगी मुकाम पे आयश करना है ज़िंदगी में, तो वो कुछ ज़िंदगी में ऐसे पल होते हैं जिस समय आपको मेहनत करना चाहते हो, वक्त दो आप, वक्त बहुत कीमती है, इफ यू गिव टाइम लाइफ विल गिव यू प्रीशियस प्रीशियस थिंग्स, जो आप सोचते हो आप बन सकते हो, लेकिन सिर्फ वक्त की ज़रूरत है। सो बस यही चीज़ें मैं कुछ कहना चाहता था गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी बारे में, किसी टॉपिक में, सो मैं तो भी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय गाइस, चलो।